Hey viewers, this is Fayaz Idris from New York. एक नए व्लॉग के साथ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के दरमियान में एक इलाका है ग्रीनवुड लेक का। खूबसूरत इलाका है, मतलब जंगल टाइप और मतलब बेसिकली यहाँ का गांव है ये, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। बर्फबारी, न्यूयॉर्क में बहुत सर्दी है और हल्की हल्की है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हो तो बर्फ़बारी भी हो रही है। अच्छा, यहाँ से आगे कुछ 20-25 मिनट की ड्राइव पे यहाँ का टाउन है, बहुत खूबसूरत टाउन है, वॉरविक के नाम से। तो मैं वॉरविक जा रहा हूँ अभी, तो यहाँ से आगे से वो बस लूँगा और बस से फिर हम आई थिंक 15-20 मिनट की ड्राइव है, फिर वॉरविक टाउन चलते हैं। आपको भी दिखाते हैं वॉरविक टाउन। ये पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है। बड़ा प्यारा सा इलाका है, देखें, मतलब मेरे लिए न्यूयॉर्क का एक नया कॉन्सेप्ट ये जगह थी। हमने तो न्यूयॉर्क का यही सुना हुआ था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और मैनहट्टन टाइप सारा न्यूयॉर्क होगा, लेकिन नहीं, न्यूयॉर्क ये भी न्यूयॉर्क ही है। ये यहाँ पर इन्होंने माउंट पीटर्स की राइड ट्यूब और नीचे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं, और वो नीचे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। वो देख रहे हैं बर्फ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। चलें जी, आगे चलते हैं पर अपनी बस के लिए। अच्छा, यहाँ न्यूयॉर्क में बड़ा अच्छा सिस्टम है कि इन्होंने बस स्टॉप्स के नंबर दिए होते हैं और आप उन नंबर्स पे टेक्स्ट करें तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप कॉल करें, टेक्स्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में यहाँ पे बस आ रही है। बड़ा अच्छा सिस्टम है। अच्छा जी, मैंने टेक्स्ट किया था, उस पर आ रहा था कि 11:27 पर आएगी आपकी बस, तो अब देखते हैं, टाइम तो होने वाला है। स्नो भी हो रही है और ये लें जी, बस आ गई हमारी बैंग ऑन टाइम। हाय ब्रो, Warwick? Can I see your ticket, please? I will pay you. How much is that? It's 2.55. It's free. Thank you. बस तो आ गई टाइम पे और अब हम जा रहे हैं वॉरविक। ये आपको इलाका दिखाता हूँ, ये देखिए बड़ा प्यारा इलाका है, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। लोगों ने अपने घरों के बाहर अपनी अपनी कश्तियां लेके रखी हुई हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, बड़े मसले होते हैं, तो यहाँ पर तो लोगों ने अपनी अपनी बोट्स लेकर तो वो रखी हुई हैं जी, अपने घर के बाहर पार्क की हुई उन्होंने। और सुना, ये देख रहे हैं,
गर्मियों में, गर्मी के मौसम में ये अपनी अपनी बोट्स को पानी के अंदर उतार के तो अपने अपने कहीं पर भी जाना होता है, ये बोटिंग करते हैं और जिधर भी जाहिर बात है इनकी बोट्स हैं, जिधर मर्जी जाएँ। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत इलाका है। ये इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे घर यहाँ पे बने हुए हैं, देखें बड़े बड़े एकर्स में ज़मीन है यहाँ पे लोगों की, घर बनाते हैं, फिर वो फार्म हाउस टाइप के भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। इट्स वेरी पीसफुल, अब मतलब यहाँ पे बहुत पीसफुल इलाका है ये, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं जो लोग न्यूयॉर्क के शोर शराबे से निकल के यहाँ पर आते हैं बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। वो देखें पीछे एक फार्म हाउस टाइप का बना हुआ, ये कितने देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम वॉरविक के करीब आ चुके हैं और यहाँ पर ये देखें सड़क के दोनों तरफ तकरीबन बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। ये कितने प्यारे घर हैं। ड्राइविंग के असूल भी आप यहाँ पे देखें लोग कितना फॉलो करते हैं। कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, लेकिन उसने खुद से ड्राइवर ने, हमारे ये साहब जो है इन्होंने खुद से रुक के दोनों तरफ देख कर, ये चर्च है तो उसके बाद वो उन्होंने गाड़ी निकाली, बस निकाली। पाकिस्तान होता तो हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान में रुकने की जहमत भी नहीं। वॉरविक उतर चुके हैं जी बस से हम, और अब ये जो टाउन है वॉरविक का उस तरफ चलते हैं। ये मेरे पीछे देखें बर्गर किंग, और ये आपको एक ये है वॉरविक टाउन। प्यारी प्यारी यहाँ पे वो मार्केट बड़ी प्यारी बनी हुई है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग की डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और क्रिसमस की देखें काफ़ी तैयारी चल रही है। क्रिसमस के हवाले से तो यहाँ पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है, किसी ने लाइट्स लगाई हुई हैं, कोई फ्लावर्स लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। ये देखें मेरे पीछे ये यहाँ पे हम अपने पास पे आ जाएं तो जैसे मैंने पहले बोला, ये देखिए ये भी क्रिसमस के हवाले से इन्होंने बहुत सारी तैयारी है यहाँ पे। ऑब्वियसली क्रिसमस उनका एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए पूरा साल ये लोग वेट करते हैं। अब ये शॉपिंग के तो शुरू हो गया यहाँ पे, शॉपिंग की स्ट्रीट समझ रहे हैं दोनों तरफ, या रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, या अपना शॉपिंग की है। और ये कुत्ता पंचर हो गया यहाँ पे, ये जी जैसे आपको पता है कि मुझे इन कुत्तों से, जो कि देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, ये मुझे कोई इतने ख़ास प्यारे नहीं लगते। ये यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ ये इसका पूरा व्यू।
ये भी कोई वो कोई ग्रोसरी या कोई फार्मेसी टाइप की बनी हुई है। बैंक्स भी हैं यहाँ पे, मतलब हर जगह। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने छोटी छोटी काउंटीज़ भी हैं, छोटे छोटे टाउन्स भी हैं, वहाँ पे हर फैसिलिटी मौजूद होती है। तो आपको यहीं पे आपके जो भी मसला होगा आपका, वो यहीं अंदर ही इसी टाउन के अंदर रहते रहते ही हल हो जाएंगे, कहीं दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगती है यहाँ की। ये भी मेरे लेफ्ट पे एक बैंक है, TD बैंक। मैं शायद अपना अकाउंट इसी बैंक में खुलवाऊंगा। ये भी यहाँ पे कैफ़े है, और जैसे मैं ये रियल इस्टेट का बहुत शदीद किस्म की ठंड है यहाँ पे। अभी बर्फ़बारी कुछ कम हुई है, बस बंद हुई है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये भी कोई, ये देखें, क्रिसमस की तैयारियां भरपूर है यहाँ पे। हर बंदा बस क्रिसमस की तैयारियों में लगा हुआ है। वॉरविक से बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।